छठा सीध करके बताना है रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद रूट थ्री रूट टू को भी सीध करके दिखाऊंगा। अगर हम रूट फाइव एगो सीध कर देंगे तो अपने से आप सॉल्व कर सकते हैं रूट रूट थ्री भी और रूट टू भी। तो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, यही सीध करके बताना है। हम इसका विपरीत मानेंगे, माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट फाइव बराबर पी बटा क्यू। जहाँ देखिए जहाँ पी एवं क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं हो। देखिए कोना कोने गुना कीजिए तो रूट फाइव गुना क्यू, रूट फाइव क्यू हो जाएगा बराबर यहाँ एक, एक गुना पी करेंगे, एक गुना पी करेंगे तो पी ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट फाइव क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो रूट फाइव गुना रूट फाइव रूट पच्चीस हो जाएगा, रूट पच्चीस का वर्गमूल पाँच, और क्यू गुना क्यू करेंगे तो हो जाएगा यह क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पाँच देखिए गुना कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा भाग, तो पी स्क्वायर बटे पाँच हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे पाँच। देखिए इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। तो देखिए साथियों, देखिए पाँच जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पाँच जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पाँच जो है पी को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने पहले बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे अतः पाँच पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए पाँच पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। स्थिति नंबर वन हो जाएगा, स्थिति नंबर वन। अब देखिए पुनः माना कि P बराबर 5F। यहाँ देखिए जहाँ M जो है M एक शून्यतर पूर्णांक है, M एक शून्यतर पूर्णांक है। तो आगे देखिए अब इसमें क्या करेंगे साथियों, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो हो जाएगा पी का स्क्वायर 5m का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर 25 गुना एम स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पी स्क्वायर के बदले हम देखिए 5q का स्क्वायर लिख सकते हैं, समीकरण एक से तो 25 गुना एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 यहाँ गुना में इधर आके भाग करेगा, 5q स्क्वायर बटा 25 बराबर एम स्क्वायर, पछाएँ 25 कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5। प्यारे साथियों यहाँ ध्यान से देखिए 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है,
पाँच क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए पाँच क्यू को भी विभाजित करेगा। स्थिति नंबर दो हो जाएगा। स्थिति एक यहाँ था, स्थिति दो यहाँ। प्यारे साथियों, स्थिति एक और दो से स्पष्ट होता है कि पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे स्थिति एक ओ दो से स्पष्ट होता है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तब रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगी, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट फाइव आप लोग सिद्ध करने के लिए सीख चुके होंगे। तो हमने रूट फाइव सिद्ध करके दिखा दिया साथियों। आप लोग रूट थ्री रूट टू सिद्ध कर लीजिएगा, आपने से इसी तरह से बनेगा।